खामोशियां बेचैनियां नादानियां। ये सुना, सरकार ने रॉकेट मार्स पे भेज दिया, मंगल ग्रह। सरकार ने इस दिवाली को कुछ ज्यादा सीरियसली नहीं ले लिया क्या? रॉकेट मंगल ग्रह तक भेजने की क्या जरूरत थी यार? नंदू, ये दिवाली पे छोड़ा हुआ रॉकेट नहीं है तो? बल्कि मार्स की स्टडी के लिए भेजा गया है। पता है, ये इंडिया का पहला इनिशिएटिव है जहाँ वो मार्स की स्टडी कर सकते हैं। और जानते हो, सरकार ने पूरे 450 करोड़ रुपए खर्च किए इस मिशन के लिए, ताकि वो मंगल ग्रह की पूरी जानकारी ले सके। ये सरकार भी ना कितना बर्बाद कर रही है हमारे टैक्स में दिए गए पैसों की यार। नंदो, मेरा मतलब तुम्हारे टैक्स में दिए गए पैसों की यार, सबके टैक्स में दिए गए पैसों की यार। अरे यार, ये जानकारी चाहिए थी ना मंगल ग्रह के लिए, तो इंटरनेट पे जाती, गूगल पे सर्च करती यार, सब कुछ मालूम पड़ जाता मंगल ग्रह के बारे में। फ्री में रॉकेट भेजने की जरूरत ही नहीं थी यार। वाह भाई वाह, तुम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते? देश का कितना फायदा होगा, कितना पैसा बच जाएगा भाई। आई एम सो नॉट प्राउड ऑफ यू भाई, तुम ग्रेट हो, है ना? इसी बात पे तुझे दिवाली फ्लेवर आइसक्रीम खिलाता हूँ। बम तो नहीं होगा उसमें? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ फ्लेवर है, आ जा। अरे ओ गॉड, ये मार्स मिशन जल्दी सक्सेसफुल हो जाए और इंसानों को भेजना अलाउ कर दे, तो सबसे पहले ना मैं इन दोनों को भेजूंगी, क्योंकि इनका धरती पर ज्यादा दिन रहना खतरनाक नहीं है। और जब खतरा उठाना ही है तो मार्स वाले उठाए, हम क्यों उठाए? कितने आदमी थे अनारकली, कितने आदमी थे भाई? प्लीज यार, मुझे डिस्टर्ब मत कर, मैं एक ऐसी चीज लिख रहा हूँ जिसको लिखने के बाद चंदू से कभी भी पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पप्पू, कभी नहीं। भाई तुम अपना सुसाइड नोट लिख रहे हो क्या? स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ यार, स्क्रिप्ट। अच्छा, इसका मतलब अपने प्रोड्यूसर का सुसाइड नोट लिख रहे हो? कम ऑन, डिस्टर्ब मत कर पप्पू, डिस्टर्ब मत कर यार। भाई मैं आपको एक खुशखबरी सुनाना चाहता था। कैसी खुशखबरी? मुझसे ना एक लड़की सेट हुई है। अभी तो इसमें मेरे लिए क्या खुशखबरी है यार? भाई तुमने खुशी बिल्डर्स का नाम सुना है? हाँ हाँ सुना है। मेरी गर्लफ्रेंड के नाम पर ही है वो कंपनी। अच्छा अच्छा, तेरी गर्लफ्रेंड का नाम बिल्डर है? नहीं भाई, मेरी गर्लफ्रेंड का नाम खुशी है। तो बिल्डर किसका नाम है? भाई सुनो ना। हाँ। भाई मुझे ना खुशी से मिलना है। हाँ तो जा, खुशी से मिल जा, जा। भाई मुझे पैसे चाहिए। अच्छा, वो मिलने के पैसे लेती है? अरे भाई तुम समझ नहीं रहे हो, मुझे ना खुशी के साथ डेट पे जाना है, तो उसके लिए रेंट पे कार लेनी पड़ेगी। मेरे पास तेरे अय्याशियों के लिए पैसे नहीं है, समझा ना? भाई तुम्हारे पास तो अपनी अय्याशियों के लिए भी पैसे नहीं है। ओ? मैं तो ये कह रहा था कि भाभी से मांग के दे दो ना। नफरत करता हूँ ऐसे मर्दों से जो थोड़े से पैसों के लिए अपनी बीवियों के आगे हाथ फैलाते हैं, समझा? हाँ भाई, अगर तुम मेरे भाई नहीं होते ना तो मैं भी तुमसे इतनी नफरत करता। पप्पू ना मुझे डिस्टर्ब मत कर, मैं बहुत दिनों के बाद एक सीरियल लिख रहा हूँ। लेकिन भाई तुम्हें तो जिंदगी में पहली बार सीरियल लिखने का मौका मिला है। बे यार, इसलिए तो कह रहा हूँ कि बहुत दिनों के बाद लिख रहा हूँ यार। भाई प्लीज ना यार, वो अनारकली का क्या डायलॉग था? अच्छा हाँ, तो एक काम कर, तू ना ये पैसे अपने भाभी से मांग ले। थैंक यू भाई। सुन 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 सुन, तो 1000 रुपए ज्यादा मांग लेना। क्यों भाई? बस क्या है, अपने भाई का ख्याल नहीं रखेगा है पागल? इतना प्यार करता हूँ तेरे से है। ओके भाई, जा जा। थैंक यू। हेलो चांदनी, तुम्हारी ये गाड़ी इतनी बड़ी कैसे हो गई? ये वो गाड़ी नहीं है। ये वो गाड़ी नहीं है तो फिर कौन सी गाड़ी है? अरे ये नई गाड़ी है। ये गाड़ी नहीं है तो फिर क्या है? अरे नहीं वाला नई नहीं, न्यू ब्रांड वाला नई। अच्छा अच्छा, हाँ 20 साल पहले मेरी भी गाड़ी बिल्कुल ऐसी ही थी। बोलो चाचा, ये 2013 का मॉडल है। अरे 20 साल पहले मेरा भी मॉडल 2013 का था। आपको कोई और नहीं मिला? क्यों बेटा, ये 2013 का मॉडल अच्छा नहीं है क्या? अरे मैं ये कह रही हूँ, मेरे अलावा आपको कोई और नहीं मिला फेंकने के लिए? क्या मैंने तुम्हें कहाँ फेंका है? ओ यार, मैं किससे बात कर रही हूँ? तुम मुझसे बात कर रही हो? मैं क्यों कर रही हूँ, मेरी मत मारी गई है, छोड़ो यार। तुम ठीक लग रही हो। अरे यार वो शोले की क्या लाइन थी? नंदू, चंदू प्लीज 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 मुझे डिस्टर्ब मत करो यार प्लीज। अरे नंदू, मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छी खुशखबरी लाई हूँ। चंदू मैं खुशखबरी सुन चुका हूँ, अभी पप्पू सुना के गया, मैं बहुत इम्पोर्टेंट कर रहा हूँ प्लीज। अरे नंदू सुनो ना, मेरी बॉस ने मुझे बेबी दी है। क्या? अच्छा
तो अब बॉस की बेबी लेके हमारे घर में आ गई। हाँ नंदू, तुम तो दे नहीं सकते थे। यू ओवर एम्बिशियस लेडी, तुम यहाँ तक पहुँच गई। हाँ नंदू, कार तक तो मुझे पहुँच नहीं था। अच्छा तो ये सब कार में हुआ है? हाँ। What is that? मतलब मेरा प्रमोशन हुआ नंदू, मेरे बॉस ने मुझे नई गाड़ी दी है, माय न्यू बेबी। कार दी है? कार की बात कर रही थी अरे पप्पू, पप्पू पप्पू। माय न्यू बेबी। अरे पप्पू इधर आ यार। हाँ भाई। अरे मेरे भाई, चांदनी खुशी की खबर लाई है। बस भाई बस, मुझे पता है मेरी खुशी जुआ खेलती। यही ना, यही खबर लाई है ना भाभी? लेकिन भाई मैं उससे प्यार करता हूँ, आई लव हर। अरे पप्पू मैं उस जुआरन की बात नहीं कर रहा हूँ। अबे यार चांदनी खुशी की खबर लाई है, चांदनी का प्रमोशन हो गया है। हाँ पप्पू, और कंपनी ने मुझे न्यू ब्रांड कार दी है, माय बेबी। नई कार? यू नो, मुझे बचपन से यकीन था एक दिन मेरे पास एक बड़ी कार होगी। फिर क्यों, क्या आज उसी यकीन की वजह से मेरे पास कार है? खैर छोड़ो, चाबी देना। क्या चाबी? चाबी नंदू, ये मेरी गाड़ी की चाबी है। बस हो गई ना वही बात, मेरे और तुम्हारे बीच में तेरी मेरी कहां से आ गई चांदनी? आज ना तुमने ये छोटी बात करके ना मेरा दिल दुखा दिया। तुम्हें चलना है या नहीं? मैं तो कब से रेडी हूँ डार्लिंग। अच्छा सुनो, मैंने नई गाड़ी खरीदी है। हाँ, और मैंने सोचा है कि अब हम जहाँ भी जाएंगे ना उसी गाड़ी में जाएंगे, और वो गाड़ी हमारी पहली डेट की निशानी होगी। उसके बाद मैं वो गाड़ी अपनी गरीब बेसहारा भाभी को दे दूंगा। ऐसा ही हूँ मैं। चलो नंदू जल्दी चलो। अच्छा ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ। बाय चांदनी, मैं ना मैंगो फ्लेवर लूंगा और मैं टूटी फ्रूटी। ओके तेरे लिए ले आएंगे। ठीक है, ले आएंगे मतलब मैं भी चलूंगा। तू क्या करेगा जाके? भाई मैं गाड़ी में चलूंगा। भाई गाड़ी में तेरे चलने के लिए जगह नहीं है भाई। भाई मैं तुम लोगों के साथ गाड़ी में चलूंगा। कैसे चलेगा, हम तो वहाँ बैठे रहेंगे, तू अकेला कैसे चलेगा? भाभी मैं भी चलूंगा। अच्छा बाबा चलो चलो। थैंक यू भाभी। गाड़ी के पीछे वाली सीट पे ब्लेड मत मारना, समझे ना तू? चलो। कैसी है? मस्त आइटम है भाई। ओ गाड़ी के बारे में पूछी। गाड़ी अच्छी अच्छी है। तुम दोनों को चलना है कि मैं चलूं? चलो 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 चलो। अंदर से देखो। हाँ हाँ दिखाओ। ये देखो ये। ढोलक चाचा आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ बैठा हूँ। बैठ के क्या कर रहे हो, अंडे देने की कोशिश कर रहे हो? चलो बाहर निकलो, बाहर निकलो, हम जा रहे हैं। अरे मुझे भी चड्डी लेनी है। यार हम आइसक्रीम खाने जा रहे हैं चाचा। मुझे नहीं खिलाओगे? भाई यार ढोलक अंकल निकलो यार। मैं नहीं जाऊंगा। नहीं जाओगे तो ठीक है, मैं कहीं नहीं जा रही, मैं जा रही हूँ। चंदू अरे चाबी तो दे दो। चंदू अरे नंदू, नंदू तुम चलो, हम चांदनी के लिए आइसक्रीम घर पर ही ले आएंगे। दिमाग खराब हो गया, गाड़ी से बाहर निकल बिना चड्डी के अंदर बैठा हुआ है। खामोशियां बेचैनियां नादानियां।